सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली में आज पुलिस और एसएफआई के छात्रों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शन कर रहे छात्र कॉलेज परिसर में घुसने का प्रयास कर रहे थे और मौके पर तैनात पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच छात्र कॉलेज के गेट के अंदर घुस आए और धरने पर बैठ गए। इससे यहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। छात्रों के निष्कासन के विरोध में एसएफआई के छात्र पिछले कई दिनों से कॉलेज के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को अल्टीमेटम दे रखा था कि अगर उनको वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता तो वे आंदोलन उग्र कर देंगे। इसके चलते उन्होंने आज जोरदार प्रदर्शन किया। एसएफआई का राज्य सचिव है। आज जॉली कॉलेज के अंदर जो धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं, इस बात को लेकर हो रहा है कि कॉलेज से 6 छात्र छात्राओं को निष्कासित किया गया है। उनको अटकल किया गया है केवल इस बात को लेकर कि इस कॉलेज के अंदर एक छात्रा जिसके साथ छेड़खानी होती है, जो अपनी कंप्लेन लेके कॉलेज के वुमेन सेल के पास जाती है, वुमेन सेल उसकी बात को दबाने की कोशिश करता है। एसएफआई उसके साथ खड़ी होती है। एसएफआई के लोग कॉलेज के वुमेन सेल के जो टीचर थे उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आप अभी इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं इस पे ले रहे हैं, क्यों आप बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों के साथ इस कॉलेज के जो कुछ गिने चुने प्रोफेसर हैं जो यहाँ राजनीति करने का काम करते हैं, वो ज़्यादा लोग नहीं, 3-4 लोग हैं जो राजनीति करने का काम करते हैं, गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। कुछ महीने पहले भी इंसिडेंट हुआ था, यहाँ के एक सीनियर प्रोफेसर ने कॉलेज के प्रधान और सेक्रेटरी को मारा था। अभी फिर से वो इंसिडेंट होने लगा है। इन लोगों ने कॉलेज के जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं उन लोगों के ऊपर उनके साथ मारपीट की गई, उनको धक्का मुक्की की गई, उनको मारा गया और उसके बावजूद उन लोगों को यहाँ से एक्सपेल किया गया।